हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन पारा सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किचन से संबंधित जो हमारी इंग्लिश वर्ड होते हैं। आज हम मैं उनको लेके आया हूँ। अगर हमारा फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, जो हम अपने किचन में जो कढ़ाई यूज करते हैं उसके लिए हम फ्रेंड्स बोलते हैं बॉक। अगला शब्द है फ्रेंड्स हमारे लिए तवा, जिस पे हम आपने देखा होगा रोटियां पराठे बनाते हैं उसके बोलते हैं ग्रिडल। जो तवा होता है किचन में फ्रेंड्स उसके लिए बोलते हैं ग्रिडल। इसके बाद मूसल और खरल आप लोग जानते हो, इसके लिए बोलते हैं पेस्टल एंड मोर्टल। उसके लिए हम लोग खल्लर और मूसल भी बोलते हैं। तो अगला किचन से संबंधित है फ्रेंड्स चूल्हा। चूल्हे को फ्रेंड्स हम लोग स्टोव बोलते हैं। अब कुछ लोग समझते हैं कि स्टोव वो अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, चूल्हे को ही हम स्टोव बोला जाता है। तो अगला जो हमने वर्ड लिया है फ्रेंड्स वो है चाय की छन्नी। आप लोगों ने देखी होगी फ्रेंड्स, जो छन्नी होती है हमारे चाय छानने वाली, उसके लिए बोलते हैं टी स्ट्रेनर। छन्नी हमारे घर पर कई प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन चाय की छन्नी की यहाँ पर बात हो रही है तो उसके लिए बोलेंगे हम टी स्ट्रेनर। इसके बाद है तस्तरी। तस्तरी फ्रेंड्स आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग प्लेट बोलते हैं उसके लिए बोलते हैं फ्रेंड्स सॉसर। अगला वर्ड है मिक्सी। मिक्सी तो उसका कुछ लोग जानते हैं फ्रेंड्स, मिक्सी को हम इंग्लिश में भी मिक्सी बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसको बोला जाता है ब्लेंडर। अगला वर्ड है फ्रेंड पिचर। पिचर मतलब होता है घड़ा, जो हमारा मटका होता है उसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेंड्स पिचर बोलते हैं। अगला होता है बेलन। बेलन वो होता है जिससे हम रोटियां बेलते हैं तो उसके लिए बोलते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन फ्रेंड्स। अगला होता है चकला। चकला वो होता है फ्रेंड्स जिस पर हम रोटियां बेलते हैं बेलन के द्वारा, चकला उसे बोलते हैं हम। चकला जिस पर बेलते हैं उसे बोलते हैं रोलिंग बोर्ड। ये है रोलिंग बोर्ड फ्रेंड्स, और ये पढ़ा भी हमने रोलिंग पिन। इसके द्वारा बेली जाती हैं और इस पर फ्रेंड्स बेली जाती हैं। अब होता है फ्रेंड्स पतीला। पतीला आप लोग जानते होंगे, जैसे चाय बनानी है हमें तो हम पतीले में बना सकते हैं, तो वो पतीला होता है, उसके लिए फ्रेंड्स बोलते हैं इंग्लिश में बेसल। अगला है कद्दूकस। ये तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं इसलिए बोलते हैं ग्रेटर। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।